हेलो, हेलो नमस्ते। वेरी गुड मॉर्निंग सर, लोकेश शर्मा बात कर रहे जी, बात कर रहा हूँ। हैं जी। मैं बोर्जो डिलीवरी सर्विसेज से हार्दिक बात कर रहा हूँ। आपने चैट पे क्वेरी रेज की थी, बताइए, मेल किया था अच्छा, बोर्डो से बोल रहे हैं आप? जी। सर बड़ी सर एक्चुअली क्या है ना कि मैं आपको फैक्ट बताता हूँ कि मेरा ना एक चैनल है यूट्यूब का, ठीक है? सुनेंगे आप एक बार? सर आप ऑर्डर में क्या इशू है ये बताइए मुझे। सर को राइडर्स कुछ भाई हैं, उनके ना आईडी ब्लॉक हो रखी दिल्ली एनसीआर की। तो आप उनके उनके लिए क्यों बोल रहे हैं, वो लोग क्यों नहीं चैट कर रहे? नहीं, मैं उनको मैं ये देखना चाह रहा था, तो मैं उनकी हेल्प कर दूंगा उनको बताकर कि इस तरीके से उनके हेल्प। नहीं, हम ऐसे किसी दूसरी से नहीं, और को दूसरे के आईडी के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं बिल्कुल देते। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात, ठीक है, बिल्कुल ठीक बात। थैंक यू सर, थैंक यू। आप उनको कहिए मेल करने के लिए, ठीक ठीक है है। सर, थैंक यू सर, धन्यवाद, थैंक दूर में बात करने के यू। ओके सर, लिए। थैंक यू सर। फ्रेंड्स, जैसा कि आपने सुना इस वीडियो के अंदर, मैंने कस्टमर केयर में कॉल की थी और मैंने सोचा था कि मैं हमारे एक भाई की जो आईडी है उसको रीओपन करवा दूं। मैंने मेरे पास बहुत सारे मैसेज आते हैं कि भाई मेरी बोर्जो की आईडी ब्लॉक हो रखी है, इसको रीओपन करवा दो। तो सबसे पहली बात यह है कि जिसकी भी आईडी ब्लॉक हो रखी है बोर्जो की, वो खुद से उसको मेल करना होता है बोर्जो कंपनी को और उसकी आईडी जो है वो रीओपन हो जाती है। क्योंकि अगर मैं किसी और के लिए रिक्वेस्ट करूँगा तो कंपनी ने मेरे को ये साफ़ मना किया हुआ है कि मैं किसी और के लिए रिक्वेस्ट नहीं कर सकता हूँ। अब मान लो कि अगर आपकी बोर्जो की आईडी ब्लॉक है तो आपको करना क्या है, मैं आपको ये आसान तरीका बता रहा हूँ। आप इस तरीके से अगर अपनी बोर्जो की आईडी को रीओपन करवाएंगे तो आपकी जो बोर्जो की आईडी है वो दोबारा से चालू हो जाएगी। उसके लिए आपको क्या करना है, देखो मैं बताता हूँ। इस टाइम अभी मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर आ गया हूँ और मुझे क्या करना है, यहाँ से जाना है प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में जाने के बाद मैं ऊपर सर्च बार पर क्लिक करूँगा और यहाँ लिखा हुआ है बोर्जो डिलीवरी ऐप, बोर्जो ड्राइवर ऐप। मैंने बोर्जो ड्राइवर ऐप पर क्लिक किया और उसके बाद मैं बोर्जो ड्राइवर ऐप का जो लोगो है यहाँ पर क्लिक कर दूंगा तो इस तरीके से आपके सामने ये खुल जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ व्हाट्स न्यू, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला जो पेज है ये खुलकर सामने आ जाएगा जिसमें बोर्जो ने अपनी सारी कंडीशंस वगैरह डाली हुई है। इसको ऐसे स्क्रॉल करोगे आप, तो स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको यहाँ पर लिखा हुआ इंडिया, यहाँ पर इंडिया लिखा है और लिखा support.korea.in@bojodelivery.com। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो क्या होगा, आपके सामने जीमेल आ जाएगा। अब बात को समझ लो कि मैं क्या कह रहा हूँ। वो वाली आपकी जो जीमेल आईडी है, जिस जो जीमेल आईडी आपने बोर्जो कंपनी को दी हुई है, उस ईमेल आईडी से आपको यहाँ पर रिक्वेस्ट लिखनी है। सब्जेक्ट में आपको लिखना है कि आपकी बोर्जो आईडी ब्लॉक है और उसके नीचे जो कंपोज है यहाँ पर आप अपने जो आपका मोबाइल नंबर है वो लिखकर बोर्जो कंपनी को मेल कर सकते हो। मैंने सिर्फ मेल किया था अभी सुबह सुबह 8:52 के आसपास मैंने मेल किया था और मेरे पास 9:15 पर कॉल आ गया था, यानी कि आधे घंटे के अंदर अंदर मेरे पास बोर्जो कंपनी से कॉल आई थी जिसकी रिकॉर्डिंग मैंने आपको इस वीडियो के अंदर स्टार्टिंग में सुनाई है। तो अगर आपकी बोर्जो की आईडी ब्लॉक है तो आपको खुद से अपनी हेल्प करनी होगी, आपके लिए कोई और नहीं हेल्प कर सकता है क्योंकि बोर्जो कंपनी आपकी आईडी के लिए किसी और को जानकारी नहीं दे सकता है। मैंने कोशिश की थी कि मैं हमारे एक भाई की आईडी को रीओपन करवा सकूं, तो मेरे करवाने से नहीं होगा, ये आपको खुद से कंपनी को मेल करना होगा और आपकी जो है आईडी रीओपन हो जाएगी। अब जिसने भी भाई बोर्जो कंपनी को ज्वाइन नहीं किया है तो मैंने आपको यहाँ पर नीचे बोर्जो कंपनी का लिंक दिया हुआ है और आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है बोर्जो रेफरल जो कोड है ENNDJAA। आप बोर्जो ड्राइवर ऐप डाउनलोड करके ये वाला जो रेफरल कोड है इसको डालेंगे तो आपको पहली 5 ट्रिप पर 300 रुपये का इंसेंटिव कंपनी की तरफ से मिलता है। मुझे यार उम्मीद है कि जो ये वीडियो है इसको अगर आप फॉलो करोगे और आपकी आईडी अगर ब्लॉक हो रखी तो वो 100% रीओपन हो जाएगी। आप इसको ट्राई करके देखना और यही एकमात्र तरीका है। वीडियो ये वाली यहाँ तक की थी, धन्यवाद।